वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बंदव संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन जिमी सम सुगंध कर दोई। प्रेम मूर्ति पूज्य दादा वासवानी जी का 99वें जन्म महोत्सव हम सब लोग मना रहे हैं। कुछ ही दिन पूर्व मैं पूज्य दादाजी से मुंबई में मिला था। उनको जो भी मिलता है, एक बार भी मिल लेता है तो ऐसा लगता है कि पूज्य दादा वासवानी जी व्यक्ति नहीं है, ये एम्बॉडीमेंट ऑफ लव है। देयर इज नथिंग बट लव। श्रीमद् भागवत में भी धर्म की व्याख्या प्रेम परक ही कही गई है। कहा गया है कि जिसके आचरण से परमात्मा में प्रेम हो उसी का नाम धर्म है। और परमात्मा केवल वैकुंठ में या गोलोक धाम में सातवें आसमान में नहीं रहता। ईश्वर सर्वभूतानां हृदये शेरजुन तिष्ठति। परमात्मा प्राणी मात्र के हृदय में बसता है। इसलिए परमात्मा के प्रति प्रेम का तात्पर्य है प्राणी मात्र के प्रति प्रेम। पूज्य दादा का बच्चों के प्रति, युवाओं के प्रति, बड़ों के प्रति, श्रीमद् भागवत में धर्म की व्याख्या भी प्रेम परक ही करी गई है। कहा गया है कि जिसका आचरण करने से प्राणी मात्र के प्रति प्रेम हो वही सच्चा धर्म है। सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति ही अधोक्षजे अहि तो की अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। प्राणी मात्र के प्रति प्रेम का, परमात्मा के प्रति प्रेम का तात्पर्य है प्राणी मात्र के प्रति प्रेम। हम लोग मानते हैं कि परमात्मा कोई सातवें आसमान में या वैकुंठ में या गोलोक धाम में नहीं रहता। परमात्मा प्राणी मात्र के हृदय में निवास करता है। पूज्य दादा को देखते हैं तो हम ये अनुभव करते हैं कि पूज्य दादा का प्रेम सभी मनुष्यों के प्रति है, चाहे वो कोई भी जाति का हो, कोई भी मजहब का हो, बालक हो, युवान हो, वृद्ध हो, और न केवल मनुष्यों के प्रति बल्कि समग्र जीव सृष्टि के प्रति दादा का प्रेम, दादा की करुणा हम देखते हैं। निर्मलता क्या होती है, पवित्रता क्या होती है, पारदर्शकता क्या होती है, ये पूज्य दादा के जीवन से हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आज दादा की इस प्रेमपूर्ण जीवन यात्रा के 99वें प्रागट्योत्सव को हम मना रहे हैं। तब आज मैं यहाँ पनामा में हूँ और पनामा में भी पूज्य दादा के कृपा पात्र बहुत सारे भक्त हैं। आज यहाँ भी उत्सव हो रहा है, मैं शाम को उत्सव में भी जा रहा हूँ और वहाँ पुनश्च पूज्य दादा के प्रति अपनी भावना, अपनी श्रद्धा वहाँ पर रखूँगा। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ पूज्य दादा वासवानी जी के दीर्घायु के लिए, और वे स्वस्थ रहें। वे मस्त तो है ही हैं, मैंने हमेशा उनको प्रसन्न देखा है। सौम्यता का पर्यायवाची शब्द यदि कोई है तो वो पूज्य दादा वासवानी जी है। उनका सौम्य व्यक्तित्व, उनका स्नेहपूर्ण व्यक्तित्व, उनका बहुत सहज और निर्मल व्यक्तित्व और सबके लिए प्रेरणा देने वाला है। आज 99वें प्रागट्य दिवस पर मैं पूज्य दादा को प्रणाम करता हूँ। वे प्रसन्न हैं,
वे मस्त हैं, परमात्मा उन्हें निरामय भी रखें और उनके शरीर में रह करके परमात्मा जो अपना प्रेम सब और फैला रहे हैं वह कार्य निरंतर चलता रहे, ये भी परम कृपालु परमात्मा से प्रार्थना। पुनश्च एक बार आज के अवसर पर मैं अभिनंदन करता हूँ और पूज्य दादा को वंदन करता हूँ। प्रणाम।